हेलो दोस्तों, मैं मधुर अग्रवाल और ट्रेडर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 1 अप्रैल 2017 से आपके कैपिटल गेन के अंदर जो कैलकुलेशन होने वाले हैं उसके अंदर भी चेंजेस आने वाले हैं। वो चेंजेस क्या है? वो चेंजेस ऐसे हैं कि होल्डिंग पीरियड गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2017 में चेंज कर दिया है। यदि अगर मैं कंपेयर करूँ 2016-17 और 17-18, तो 2016-17 में आपका होल्डिंग पीरियड 3 साल का था। वही अगर होल्डिंग पीरियड 17-18 में अगर मैं बात करूं तो वो 2 साल हो गया है। अब यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर होगा ऐसा, अगर आप आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है या एसेट है, आप उसे दो साल होल्ड करने के बाद में अगर आप उसे सेल आउट करते हो तो वह आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जगह आपका वो कैलकुलेशन चला जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं टैक्स लैब की अगर बात करूँ तो टैक्स लैब आपका 15% से आपका बढ़कर चला जाएगा 20%। और यहाँ पर यही नहीं, आपको एडवांस टैक्स के लिए भी आप एप्लीकेबल हो जाओगे। तो आपको हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करिए, हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।